दिल्ली नोएडा गुरुग्राम में AQI गंभीर श्रेणी में अस्पतालों की OPD में मरीजों की संख्या डबल हुई है। 50% कर्मचारी करेंगे घर से काम, आज से प्राइमरी स्कूल बंद। इस वक्त के बड़े अहम अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बता दें कि दिल्ली NCR में प्रदूषण का जो प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है और दिल्ली NCR में आज भी छाया हुआ है धुआं। जहां आपको बता दें कि दिल्ली नोएडा गुरुग्राम में AQI गंभीर श्रेणी में पहुंच चुका है। अस्पताल की OPD में जो मरीजों की संख्या है वो डबल हो गई है। 50% कर्मचारी अब घर से काम करेंगे, तो वहीं अब प्राइमरी स्कूल्स भी बंद कर दिए गए। दिल्ली सरकार की तरफ से एडवाइजरी भी जारी कर दी गई। सांसों का दुश्मन बन सकता है स्मॉग गंभीर श्रेणी में AQI। दिल्ली में AQI 431 जो कि गंभीर श्रेणी में है। एयरपोर्ट T3 क्षेत्र में AQI 453 गंभीर श्रेणी में दर्ज किया गया है। AQI यहां पर भी, साथ ही गुरुग्राम में AQI 478 ये भी गंभीर श्रेणी में, गुरुग्राम में भी AQI दर्ज किया गया है। नोएडा में AQI 529 गंभीर श्रेणी में बताया जा रहा है। नोएडा यूपी में गंभीर श्रेणी में है, AQI 529 पहुंचा। गुरुग्राम में गंभीर श्रेणी में AQI जो कि 478 पहुंचा है। धीरपुर के पास गंभीर श्रेणी में AQI 534। तो जो AQI है वो लगातार पूरे दिल्ली NCR में बढ़ता जा रहा है, 400-600 के पार साफ तौर से नजर आ रहा है। जो AQI के बढ़ने से दिल्ली NCR में धुंध और धुएं का जो गुबार है वो छाया हुआ है, जिससे लगातार जो प्रदूषण की स्थिति है वो काफी गंभीर और बेहद गंभीर होती जा रही है। और लगातार जो पूरे दिल्ली NCR में स्मॉग बना है वो भी आप देख सकते हैं तस्वीरों के जरिए कि किस तरह से पूरी यहाँ पर स्मॉग जमा है। ये धुंध और फॉग नहीं, ये स्मॉग है जो कि प्रदूषण के कारण लगातार बढ़ता जा रहा है। AQI जो लेवल है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, 600 के पार अब पहुंच चुका है और दिल्ली में धुएं का गुबार साफ तौर से नजर आ रहा है। पूरी तरह से ये धुंध छाई हुई है दिल्ली NCR में। आप इन तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं कि जो स्थिति है वो बेहद गंभीर होती जा रही है, जहां अंदाजा लगाया जा रहा है कि यहां पर हेल्थ इश्यूज भी हो सकते, काफी प्रभाव डाल सकते। हमारे साथ संवाददाता उज्ज्वल कुमार बने हुए दिल्ली से और फरीदाबाद से संदीप हमारे साथ लाइव है। उज्ज्वल, लगातार जो दिल्ली NCR में वातावरण है वो प्रदूषित होता जा रहा है, AQI लेवल बढ़ता जा रहा है और जो स्थितियां वो बेहद खराब होती जा रही है। बिल्कुल जी, देखिए आप राजधानी दिल्ली की बात करेंगे खासकर, तो राजधानी दिल्ली में हेल्थ इमरजेंसी जैसे हालात जो हैं वो बने हुए पिछले कई दिनों से नजर आ रहे हैं। आप दिवाली के बाद से देखेंगे तो राजधानी दिल्ली के जो आबो हवा है वो काफी ज्यादा खराब हो चुकी है। अगर आप कल का देखेंगे दिल्ली के जो आनंद विहार इलाका है और साथ ही जहांगीरपुर इलाका है, वहां पर अगर आप AQI लेवल देखेंगे तो वो काफी पुराने जो रिकॉर्ड है वो तोड़ चुका है। 628 जो है वो खासकर आनंद विहार इलाके का AQI लेवल जो है वो दर्ज किया गया है, जिसकी वजह से लोगों को जहरीली गैस जो है वो अपने अंदर लेनी पड़ रही है। जो सांस ले रहे हैं उसमें जहरीली गैस उनके साथ मिलकर उनके अंदर जा रही है और इसको लेकर सरकार भी देखिए काफी चिंतित है। दिल्ली सरकार की तरफ से तमाम प्रयास भी किए जा रहे हैं कि किसी तरीके से दिल्ली में जो ये प्रदूषण का स्तर इतना बड़ा हुआ है उसको कम किया जा सके। दिल्ली में ग्रैप्स का जो चौथा फेज है वो लागू कर दिया गया है। देखिए दिल्ली में जो राज्य सरकार के जो कर्मचारी हैं वो 50% जो हैं वो वर्क फ्रॉम होम करेंगे। दिल्ली में जो स्कूल्स हैं वो 8 नवंबर तक के लिए प्राइमरी स्कूल्स बंद कर दिए गए हैं। दिल्ली में जो रोडवेज बसेज है, 8 साल से पुरानी जो डीजल बसेज होंगी उनकी जो एंट्री है उस पर पूरी तरीके से पाबंदी लगा दी गई है। दिल्ली में जो ट्रक्स है उनकी जो डीजल ट्रक्स है उनकी एंट्री पर जो है वो भी पूरी तरीके से पाबंदी लगा दी है। साथ ही दिल्ली में जो कंस्ट्रक्शन है, निर्माण कार्य है वो भी पूरी तरीके से बंद कर दिए गए हैं कि दिल्ली में किसी तरीके से जो ये प्रदूषण का स्तर इतना बढ़ता जा रहा है उसको काबू पाया जा सके। और इसी के मद्देनजर अगर आप कल देखेंगे तो जो दिल्ली के पर्यावरण मंत्री, उन्होंने एक प्रेस वार्ता करके ये जानकारी भी दी है कि दिल्ली में अब जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसको बढ़ाया जाएगा। जो CNG बसेस हैं, 1000 CNG बसेस सरकार किराए पे लेने वाली है, जो कि 60 दिन तक सरकार किराए पे लेगी और पहले चरण में जो है वो 500 बसेस लिए जाएंगी। उसके बाद देखिए जो अवधि है 60 दिन की, अगर मौसम ठीक नहीं होता है, दिल्ली का प्रदूषण कम नहीं होता तो इसको 90 दिन कर दिया जाएगा। अगर भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से भी देखेंगे जाए तो दिल्ली वासियों के लिए कुछ खास खबर नहीं है, क्योंकि अगर देखिए प्रदूषण को हटना है तो रफ्तार हवा में जो रफ्तार है वो तेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन देखिए मैंने खुद भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के जो सीनियर साइंटिस्ट है डॉक्टर RK जनमणि, उनसे बातचीत की थी तो उन्होंने आने वाले 10 दिन के लिए कहा कि दिल्ली वासियों को राहत नहीं मिलने वाली है, क्योंकि
जो हवा की रफ्तार है वो इसी तरीके से सुस्त पड़ी रहेगी। हालांकि एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सक्रिय हो रहा है, 5 और 6 नवंबर को दिल्ली में बादल छाए रह सकते हैं, लेकिन जो हवा की रफ्तार है वो बेहद ही सुस्त रहेगी, बेहद ही बिल्कुल हवा की रफ्तार सुस्त रहने से कहीं ना कहीं जो प्रदूषण स्मॉग है वो एकत्रित होता जा रहा है दिल्ली एनसीआर में। संदीप, अब जिस तरह से देखिए ये प्रदूषण अभी कम होने का नाम नहीं ले रहा, जैसे कि अभी उज्जवल ने बताया कि 10 दिनों तक, आगामी 10 दिनों तक ये कम नहीं होगा, और लगातार जो AQI लेवल है वो भी बढ़ता जा रहा है, और दिल्ली सरकार ने इसको लेकर एडवाइजरी भी जारी कर दी गई है। तो किस तरह से पालन किया जा रहा है, क्या यहाँ पर लोग भी जागरूक हैं? चिंताजनक है और लगातार जो मरीज हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं, वो अस्पतालों का रुख कर रहे हैं और सांस लेने में तकलीफ हो रही है। ऐसे में आनंद फानंद में जो अधिकारियों की इच्छा की लगातार जो है देखने को मिल तो रही है, लेकिन पर्याप्त कोई होता हुआ नजर नहीं आ रहा। कंपनियों को बंद करने के आदेश फरीदाबाद में दिए गए, लेकिन उसके बावजूद कंपनियां धरने से जारी हैं। कोई रोक टोक जो है अधिकारियों से होनी चाहिए थी, चालान प्रक्रिया होनी चाहिए थी, वो अभी देखने को नहीं मिल रही है। हालांकि एंटी स्मोक गन जो चलाने की बात कही जा रही थी वो जो है सड़कों पर नहीं देखने को मिल रही, यानी कि प्रशासन पूरी तरह से लापरवाह हो चुका है और बार बार जो है बैठकें तो हो रही हैं लेकिन कोई असर धरातल पर होता हुआ बिल्कुल संदीप, क्योंकि धरातल पर भी यहाँ पर पाबंदियां लगनी जरूरी है, सरकार की तरफ से यहाँ पर निर्देश लागू कर दिए गए, लोगों को भी जागरूक होना पड़ेगा। तमाम जानकारी साझा करने के लिए संदीप बहुत शुक्रिया आपका।